रूह की ग़िज़ा तसव्वुर की जाने वाली मौसीकी रागों के बगैर अधूरी मानी जाती है, और जब जिक्र हो राग रागनी का तो तानसेन का नाम सरे फहरिस्त है, जिन्होंने ऐसे राग ईजाद किए जिनका जादू आज भी सर चढ़ कर बोलता है। यह अजीम मौसीकार मुग़ल बादशाह अकबर के मशहूर ज़माना नौ रतनों में से एक रतन थे। इनके यौम वफात के मौके पर रिपोर्ट देखते हैं, कराची से हमारे नुमाइंदे आरिफ अली ने इसे तैयार किया। सड़ज ने पाया ये वरदान, अकबर आजम के दौर के मशहूर मौसीकार तानसेन 26 अप्रैल 1524 में ग्वालियर से कुछ फासले पर वाके मौजा भेंट में पैदा हुए। तानसेन का असल नाम तरलोचन दास था। तानसेन पैदाइशी लिहाज से हिंदू थे, लेकिन जवानी में शेख मोहम्मद गौस ग्वालियरी के हाथ पर इस्लाम कबूल किया। तानसेन न सिर्फ बहुत बड़े मौसीकार थे, बल्कि उन्होंने मौसीकी के बुनियादी राग रागनियों और तालों का भी तफसीली मुताला किया और बहुत से नए राग रागनियां तख्लीक किए, जिनमें कुछ मशहूर मियाँ की टोडी, मियाँ का सारंग और मियाँ की मल्हार कहलाती हैं। तानसेन ने मौसीकी की तालीम पंडित हरिदास स्वामी से हासिल की। कुछ अरसे बाद वो अकबर आजम के दरबार से वाबस्ता हुए, जहां उन्हें बादशाह अकबर ने तानसेन का खिताब अता किया। बरसगीर की क्लासिकी मौसीकी तानसेन के रागों पर ही जिंदा है। उनके बाद आने वाले उस्तादों ने राग रागनियों में तब्दीली या नए तजुर्बे करने की जरूरत महसूस नहीं की, और ये राग उसी हालत में है जिसमें तानसेन ने उनकी तकमील की थी। माना जाता है कि उनके राग बारिश भी बरसा दिया करते थे। 26 अप्रैल 1589 तानसेन जहान फानी से कूच कर गए। तानसेन की बरसी ग्वालियर में हर साल मनाई जाती है, जहाँ फन मौसीकी के शायकीन का बहुत बड़ा इस्तेमाल होता है, और तानसेन के सुनो की मिसाल फन मौसीकी के हर अहद और नस्ल को दी जाती है। मध्यम को सामान चलो तो यमन कल्याण कहा है।